भारत के क्रोध के सामने मालदीव ने टेके घुटने। भारत की ताकत के सामने मालदीव नतमस्तक। बैकफुट पर आ ही गया मालदीव। पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी मालदीव के तीन मंत्रियों को भारी पड़ी। भारत का गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखा तो मालदीव की सरकार सख्ते में आ गई। हैशटैग बायकॉट मालदीव जब ट्रेंड करने लगा तो आनन फानन में मालदीव की सरकार ने अपने तीन मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं वो तीन मंत्री हैं कौन जिन पर कार्रवाई की गई। मालशा शरीफ, मरियम शियुना और अब्दुल्ला महजूम माजिद। मालदीव के यही वो तीन नेता हैं जिनके जहन में भारत विरोध का जहर कूट कूट कर भरा है। इन्हें पीएम मोदी का लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील नागवार गुजरी थी। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मालदीव के इन तीन मंत्रियों को आखिरकार अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मालदीव की सरकार ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया। Firstly, it is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful. They're racist. They're spiteful. दरअसल पीएम मोदी पर टिप्पणी से नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट मालदीव ट्रेंड कराया। दरअसल पीएम मोदी पर टिप्पणी से नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट मालदीव ट्रेंड कराया और मालदीव की टिकट कैंसिल करनी शुरू की। सोशल मीडिया पर आम लोगों के साथ साथ सितारों ने भी मालदीव के बदजुबान नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। तब जाकर मालदीव की सरकार जमीन पर आ गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।